कोरोना का कहर पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तब देश भर में केंद्रीय गृह मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना हेतु कई धार्मिक गतिविधियां की जा रही है। तब शहर के शिव परिवार की ओर से 6 अगस्त गुरुवार को महामृत्युंजय याग आयोजित किया जाएगा। कलाली रोड पर आए श्री जागनाथ महादेव मंदिर में राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल की अगुवाई में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के स्वास्थ्य तंदुरुस्ती हेतु आयोजित इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा दिखाती पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। देश और दुनिया में कोरोना ये महामारी है, अनेक लोगों आश्रय लगभग 1.5 करोड़ जेटला लोगों अमर सपड़ाया है, लाखों लोगों मृत्यु पामे है। आवा समय अपना राज्यना माजी गृहमंत्री, देशना गृहमंत्री, ताकतवान गृहमंत्री जारे कोरोना में सपड़ाया है अने हालनी तारीखे दवाखाना में दाखल थयेला छे। अमित शाह जोड़े लगभग विधानसभा में 18 वर्ष साथे रहेवानुं थयुं। आ जागनाथ महादेव ने भूमि पूजन पण गृहमंत्री अमित शाहे ज करेलुं। आपणे गुजरातना लोको, आपणे देशना लोको अमित भाई जल्दी थी दवाखानामांथी साजा थईने आवे, तेमज देशमां तेमज दुनियामांथी आ कोरोना जाय एटले भगवान शिवजीने मनावा माटे, शिव शक्तिने मनावा माटे आपणे गुरुवारे 6 तारीखे એ જાગનાથના પ્રાગણ્યમાં શિવશક્તિ યજ્ઞ મૃત્યુંજય જાપ કરવાનો છે અને જલ્દીથી અમિતભાઈ તેમજ જે જે નાગરિકો હોસ્પિટલોમાં છે એ સાજા થાય એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીશું। આ યજ્ઞ સવારે 10 વાગે શરૂ થશે, સાંજે 6 વાગ્યાની પૂર્ણાહુતિ થશે। બહુ જ સંસ્કૃત વિધિ પ્રમાણે આ યજ્ઞ થશે। ભગવાન શિવજીને માતાજીને પણ હું પ્રાર્થના કરું કે આપણા દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જલ્દીથી સાજા થઈને બહાર આવે, તેમજ જે પણ નાગરિકો દેશ કે દુનિયાના આ કોરોનામાં સપડાયા છે એ પણ પોતાના ઘરે પરત ફરે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના।